गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रखर झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे, रक्त संबंध में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें तीन टाइप से आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। पहला टाइप आपका होता है इशारा करने वाले प्रश्न, दूसरे पहेली पर आधारित, तीसरा संकेतों पर आधारित। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जनरेशन गैप कैसे होता है ना, कौन किस जनरेशन से आता है, सारे मैंने आपको संबंध भी बताए थे, ठीक है। और फैमिली ट्री बनाना भी मैंने आपको बता दिया था। जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इशारा करने वाले प्रश्न ही हैं ये भी। आज दो तीन क्वेश्चन और इसके करते हैं, फिर टाइप नंबर सेकेंड पर बढ़ेंगे, है ना, पहली पर आधारित। तो दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, वह मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है। आपको इसका आंसर बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री हैं, उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर चेक करते चलिए कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो देखो तरीका, देखो कोई भी क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो उसका आपको तरीका आना चाहिए। अगर आपके पास तरीका है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व करके ले जाएंगे, है ना। अब आपको तरीका ही नहीं पता है ना, तो तरीका जानने के लिए आपको क्या करना है, मेरी लास्ट वीडियो को देखना है ना, कि किस तरीके से जनरेशन गैप होती है और कैसे आप फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक। तो समझते हैं पहला क्वेश्चन कि लड़की का परिचय कराते हुए, लड़की का परिचय हो रहा है, कह कौन रहा है, विपिन कह रहा है। आप क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे लिख ली, एक लड़की है और एक कौन है, विपिन है, दो लोग हैं, एक लड़की है और एक विपिन है। अब विपिन कह रहा है क्या कह रहा है, कि वह मेरे पिता, अब मेरे पिता आ रहा है, इसका मतलब किसके पिता, भाई विपिन के पिता। अब विपिन अगर ये है तो विपिन के पिता एक जनरेशन ऊपर होंगे, ये विपिन के पिता हो गए। वह मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन यानी उनकी बहन ये हो गई, बहन की माँ यानी कि इनकी माँ ये हो गई, के इकलौते बेटे। अब इनका इकलौता बेटा कौन, भाई विपिन के पिताजी ही होंगे, बेटे की बेटी है और इनकी बेटी है यानी कि वो कौन है, विपिन की बहन है। कौन है, विपिन की बहन है। बताओ बात समझ में आई या नहीं, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आ जाएगा आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो इधर लड़की का परिचय हो रहा था, कह रहा था विपिन। अब जैसे जैसे कहते चले वैसे वैसे फैमिली ट्री में आप आगे आगे बढ़ते चलो। देखो उसने कहा वह कौन, लड़की, मेरे पिता की यानी विपिन के पिता ये हो गए मेरे पिता। फिर कह रहा की बहन, अब इनकी बहन ये हो गई, की माँ, इनकी माँ ये हो गई, के इकलौते बेटे, इनका इकलौता बेटा कौन, विपिन के पापा, और की बेटी और इनकी बेटी कौन, विपिन की बहन। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, और यही कौन है, लड़की है। अब क्या बोला, विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है। तो विपिन का उस लड़की से यानी विपिन कौन है, मैंने आपको बताया था जहाँ भी आपके जगह यहाँ पे आपको दिखाई दे जाए का, अगर आपको का वर्ड दिखाई दे जाए तो उस जगह आप लिख लो कौन। तो विपिन कौन है लड़की का, तो विपिन कौन है, विपिन है भाई। तो आंसर हो जाएगा क्या, भाई। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है ना सभी को। अच्छा इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं ऊपर वाला हटा दे रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए, पुरुष है एक और एक है महिला, दो लोग हैं, दोनों को अलग अलग लिख लो, ठीक है। पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा,
क्या कहा? इसकी माँ। अब बात किसकी हो रही है? उसने बोला इसकी माँ। इसकी माँ मतलब महिला की माँ की बात हो रही है। भाई कौन कह रहा था? पुरुष ही तो कह रहा था। पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा इसकी माँ। इसकी माँ मतलब किसकी माँ? महिला की माँ। तो देखो महिला अगर ये है तो महिला की माँ कहाँ हो जाएगी? एक जनरेशन ऊपर। उसने बोला इसकी माँ। अब ये जो हैं, अब बात इनकी चल रही है, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री हैं। ये जो हैं वो कौन है? पुरुष की जो सास होंगी। देखो इधर, पुरुष की सास कौन होंगी? पुरुष की जो वाइफ होगी, पुरुष की जो वाइफ होगी उसकी माँ। बताओ, पुरुष की जो सास होगी उसकी माँ, ये पुरुष की सास हो गई कि नहीं? अब देखो, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यानी पुरुष की माँ सास की इकलौती पुत्री, यानी ये वाला बंदा और ये वाला बंदा दोनों एक है कि नहीं है? बताओ, इसकी माँ यानी महिला की माँ, मेरी सास की, पुरुष की सास की, पुरुष की सास कौन? पुरुष की पत्नी की मम्मी की इकलौती पुत्री है, यानी ये और ये दोनों एक ही हैं। आप इस महिला को कहाँ जोड़ सकते हैं? ये महिला आपकी यहाँ जोड़ सकती है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अब उसने बोला कि उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? तो पुरुष का लगाए, का मतलब लिख लो यहाँ पे कौन, यानी पुरुष कौन है उस महिला का? तो पुरुष कौन है बेटा? पुरुष है पापा। पापा कह दो, पिताजी कह दो, है ना, पापा। क्लियर, बात समझ में आई? कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और करते हैं इशारा करने वाले का, फिर आगे बढ़ेंगे टाइप नंबर टू पर। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या होगा? एक लड़की की ओर संकेत करते हुए क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सुबोध ने कहा, सुबोध ने कहा, सुबोध ने कहा, वह मेरी माताजी के इकलौते भाई, वह मेरी माताजी के इकलौते भाई, वह मेरी माताजी के इकलौते भाई की पुत्री है। इकलौते भाई की पुत्री है। सुबोध का उस लड़की से क्या रिश्ता है? सुबोध का उस लड़की से क्या रिश्ता है? सुबोध का उस लड़की से क्या रिश्ता है? इस क्वेश्चन को समझ लो, क्या कह रहा है? एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सुबोध ने कहा है, भाई दो लोग हैं, एक है लड़की और एक है कौन? सुबोध। दो लोग हैं, दोनों को लिख लो। सुबोध ने कहा, क्या कहा? कि वह, वह मतलब लड़की, मेरी माताजी, मेरी माताजी मतलब सुबोध की माता, सुबोध की माता, सुबोध के से एक जनरेशन ऊपर माताजी के इकलौते भाई। अब इनका इकलौता भाई कौन? यानी सुबोध के मामा। और की पुत्री है, और इनकी पुत्री है, यानी कि इनकी पुत्री कौन है बेटा? लड़की है। इनकी पुत्री कौन है? लड़की है। अब क्या पूछा उसने? कि सुबोध का उस लड़की से क्या रिश्ता है? तो सुबोध उस लड़की का कौन है? सुबोध उस लड़की का कौन है? सुबोध है ममेरा, सॉरी कजिन, चचेरा भाई कह दो, चचेरा भाई। क्या हो जाएगा? चचेरा भाई, है ना, या कहीं कहीं आपको सीधे सीधे कजिन लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लगा देंगे? कजिन। बताओ बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है ना? आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर सेकंड लगा लो। टाइप नंबर सेकंड मैंने आपको क्या बताया था? टाइप नंबर सेकंड क्या था? टाइप सेकंड पहेली पर आधारित प्रश्न।
पहेली पर आधारित प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए इसका, देखो इसका क्वेश्चन लिखिए फटाफट, बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है, आर बाई का बेटा है, आर बाई का बेटा है, आर बाई का बेटा है, बाई के की पत्नी है, बाई के की पत्नी है, बाई की पत्नी है, के जेड का इकलौता पुत्र है, के जेड का इकलौता पुत्र है, जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, जेड का आर से क्या संबंध है, जेड का आर से क्या संबंध है, बताइए भाई, सॉल्व करो इसे फटाफट सभी लोग। क्वेश्चन दिख रहा है ना, आर बाई का बेटा है, बाई के की पत्नी है, के जेड का इकलौता पुत्र है, जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, जेड का आर से क्या संबंध है, जेड का आर से क्या संबंध है, चलो भाई चेक कर लो इसे। भाई आर बाई का बेटा है, मैंने आपको क्या बताया, बेटा है तो एक जनरेशन नीचे रहेगा, जब एक जनरेशन नीचे रहेगा तो आप बना देंगे बेटा है किसका, भाई का, आर भाई का बेटा हो गया। अब मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी इसकी ब्लड रिलेशन की, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह से कोई आपको सीक्वेंस दिया जाए कि आर भाई का बेटा है, तो यहाँ पर आप एक का जेंडर फिक्स कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते। कैसे, जैसे आपने कहा आर भाई का बेटा है, तो आर बेटा हो गया, अब भाई आपका माता भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, बात समझ में आई, माता भी हो सकता है और पिता भी। अब आगे कह रहा है कि भाई के की कौन है, पत्नी, जब भाई पत्नी है के की, तो भाई को पत्नी बना दो किसकी, के की, ठीक है, भाई के की पत्नी हो गई, के पति हो जाएगा, भाई पत्नी हो जाएगी। अब कह रहा है के जेड का इकलौता पुत्र है, के जो है वो पुत्र है किसका, जेड का इकलौता पुत्र है, बताओ बात समझ में आई कि नहीं। फिर आगे कह रहा है कि जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया है, इसका मतलब ये कौन है, पति है, आदमी है, पुरुष है, जेड की पत्नी का निधन ही तो हुआ है ना, तो ये कौन है, पुरुष है। अब कह रहा है कि जेड का आर से क्या संबंध है, तो भाई जेड आर का कौन है, तो देखो ये आर का कौन है, आर इसके कौन, के आर के कौन है, पापा, और के भी पापा कौन है, जेड, और पापा के पापा इसके पापा और उसके भी पापा, पापा के पापा कौन, दादा, तो आंसर क्या लगा दोगे बेटा, दादा, जेड कौन है, दादाजी है, बताओ बात समझ में आई, क्लियर हो रहा है ना पॉइंट सभी को। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, इसको आप देख लीजिएगा, आपका आंसर चेक कर लो फटाफट, और जहाँ भी गलती हो उसको सुधार कर लो, दादा आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड है, एक परिवार में छह सदस्य, एक परिवार में छह सदस्य हैं, एक परिवार में छह सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ, एक परिवार में छह सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक साथ घूम रहे हैं, एक साथ घूम रहे हैं, एक साथ घूम रहे हैं, बी बेटा है सी का,
बी बेटा है सी का, बी बेटा है सी का, परंतु सी बी की माता नहीं है, परंतु सी बी की माता नहीं है। बी बेटा है सी का परंतु सी बी की माता नहीं है। ए और सी शादीशुदा जोड़ा है, ए और सी शादीशुदा जोड़ा है, ए और सी शादीशुदा जोड़ा है। ई भाई है सी का, ई भाई है सी का, ई भाई है सी का। डी बेटी है ए की, डी बेटी है ए की, डी बेटी है ए की। एफ भाई है बी का, एफ भाई है बी का। ये क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, ये एक पजल फॉर्म में आपको दे दिया है, इसी वजह से मैंने टाइप सेकंड आपको लिखाया है। टाइप सेकंड मतलब पहेली पर आधारित प्रश्न। अब पहेली पर आधारित प्रश्न है, इसका मतलब क्या है कि आपको पूरा एक जंबल दे दिया जाएगा, और जंबल देने के बाद आपसे क्या करेगा कि दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। अभी यहाँ पे 6 सदस्य हैं, अभी 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा एग्जामिनर किस तरह से सेट करके दे रहा है, ठीक है। अब देखा मैंने कि एक परिवार में आपके कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। कौन कौन से थे, ए बी सी डी ई और एफ। हमें कुछ नहीं करना, केवल फैमिली ट्री बनानी है बस। वो फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखाया है कि साथ जो कहे वैसे वैसे चलते चलो। उसने बोला कि बी बेटा है सी का, अब बी बेटा सी का है तो यानी बी बेटा बना दो किसका, सी का, ये फैमिली ट्री बनी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि परंतु सी बी की माता नहीं है, परंतु सी बी की माता नहीं है, माता नहीं है तो कौन होगा भाई, पिता होगा, बताओ बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, ए और सी शादीशुदा जोड़ा है, जब ए और सी शादीशुदा जोड़ा है तो ए कौन होंगी, उस बी की मम्मी हो जाएंगी, बताओ क्लियर है ना, कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद बोल रहा है ई भाई है सी का, ई जो है वो भाई है किसका, सी का, तो ई भाई हो गया बेटा सी का, देखो इसके साथ जुड़ गया। आगे बोल रहा है डी बेटी है ए की, अब डी बेटी है ए की, अब ए की बेटी है तो सी की भी बेटी होगी, है ना, तो बी की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, कौन, डी, बताओ बात समझ में आई कि नहीं। अब कह रहा है एफ भाई है बी का, एफ भाई है बी का, यानी कि एफ भाई हो गया बी का, बताओ फैमिली ट्री आपका बन गया। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आप आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है ई का डी से क्या संबंध है, क्वेश्चन है ई का डी से क्या संबंध है, तो ई का डी से संबंध पूछा है। अब देखो ई ये रहा, डी ये रहा, अब संबंध पूछा है इसका, यानी ये कौन है, ये कौन है, तो आप जाओ देखो डी के पास से जा रहे हैं, ये इसका भाई, ये इसके कौन, पापा, ये पापा हैं, और ये पापा के कौन है, भैया, और पापा के भैया कौन होते हैं बेटा, अंकल होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, अंकल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि ए के कितने बच्चे हैं, ए के कितने बच्चे हैं, तो ए के कितने बच्चे हैं बेटा, ए ये रहा, है ना, अब इसके बच्चे बताने हैं, तो इसका पति, इसके तीन बच्चे हैं, एक दो तीन, कितने बच्चे हो गए, तीन, बताओ बात समझ में आई, क्लियर हो रहा है ना सभी को। तो ये इस तरह से आपके पजल के क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन आज का, तीसरा क्वेश्चन और लिखिए फटाफट, और फिर पजल फॉर्म के कुछ क्वेश्चन बचेंगे वो करेंगे फिर कल, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो हम इस वजह से बनाते हैं कि आपको, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं फिर बनाने की इच्छा होती नहीं है, है ना, आप वीडियो पूरा देखा करें, थोड़ा हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन लिखिए फटाफट, क्वेश्चन है टी डी की बहन है, टी डी की बहन है,
टी डी की बहन है, डी का विवाह पी से हुआ है, डी का विवाह पी से हुआ है, डी का विवाह पी से हुआ है, पी एम का पुत्र है, पी एम का पुत्र है, टी जे की माता है, टी जे की माता है, बाई यू का पिता है, बाई यू का पिता है, बाई यू का पिता है, बाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, बाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है, यू टी की पुत्री है, यू टी की पुत्री है, क्यू डी का पुत्र है, क्यू डी का पुत्र है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कीजिए फटाफट, आप इसका फैमिली ट्री बनाइए, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। फैमिली ट्री बनाओ जल्दी से, फटाफट, फुर्ती में, है ना। तो समझ लें, आप बनाइए अपना, मैं बना रहा हूँ अपना, चेक कीजिए सही है कि नहीं है, है ना। देखो इधर, उसने बोला टी डी की बहन है, तो आपने टी को बहन बनाया, किसका, डी का, टी डी की बहन हो गई। अब कह रहा है डी का विवाह किससे हुआ है, पी से हुआ है, यानी डी का विवाह आप पी से कर दो। अभी जेंडर नहीं पता, विवाह किया है, जेंडर नहीं पता, याद रखना। आगे कह रहा है पी एम का पुत्र है, यहाँ पे जेंडर फिक्स हो गया, पी पुत्र है भाई, पी पुत्र है, किसका है, एम का। अगर ये पुत्र है तो ये इसकी पत्नी होगी, शादीशुदा है, है ना। फिर क्या कह रहा है कि टी जे की माता है, टी जो है वो माता है किसकी, जे की, यानी जे यहाँ आ जाएगा, टी जे की माता होगी। अब बाई यू का पिता है, अब देखो यहाँ पर ना तो आपको बाई दिखाई दे रहा, ना आपको यू दिखाई दे रहा, ठीक है, ना तो बाई दिखाई दे रहा ना यू, तो आप इसको क्या करेंगे, अलग बना लेंगे, बाई पिता बना दो, किसका, यू का, ठीक। अब कह रहा है बाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, चलो अभी इसको छोड़ो, यहाँ पे भी अभी इसको आप सेट नहीं कर सकते। अब उसने बोला यू टी की पुत्री है, यू जो है वो पुत्री है किसकी, टी की, जब यू टी की पुत्री है तो यानी ये इसकी जे की बहन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ। और यू का पिता कौन था, बाई, यानी कि टी का पति कौन हो जाएगा, बाई। अब कह रहा था बाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, पुत्री अगर ये है तो पुत्री हो गया। फिर बोल रहा है कि क्यू डी का पुत्र है, और क्यू डी का पुत्र है तो क्यू ये हो गया पुत्र, डी का, ये बन गया आपका फैमिली ट्री, ठीक है। मैं ऊपर वाला साफ करे दे रहा हूँ, तो जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन आपका इसमें आएगा, पहला क्वेश्चन है कि पी का टी से क्या संबंध है, क्वेश्चन है पी का टी से क्या संबंध है। तो पी का टी से संबंध बताना है भाई, पी ये रहा और टी ये रहा, इसका संबंध बताना है, यानी कि ये देखना है ये कौन है। तो मैंने देखा तो ये इसकी बहन है, और ये बहन के पति, और बहन के पति कौन, जीजा जी, जीजा जी। और आजकल एक नया चलन चला है ना, लोग जीजा जी को क्या बोलने लगे हैं, जीजू, क्या बोलने लगे हैं, जीजू, ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन दिया है कि जे का डी से क्या संबंध है, जे का डी से क्या संबंध है। तो जे का संबंध बताना है डी से, भाई जे ये रहा, यानी जे कौन है, किसका, डी का। तो देखो ये इसकी बहन, और बहन का लड़का, और बहन का लड़का कौन होता है बेटा, भांजा, कौन होता है, भांजा, बहन का लड़का भांजा, ठीक। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, क्यू का एम से क्या संबंध है, क्यू का एम से क्या संबंध है, क्यू का एम से क्या संबंध है। तो क्यू कौन है एम का, तो क्यू
एम का कौन है भाई? क्यू के पापा ये, और पापा के पापा ये एम, यानी कि क्यू के पापा के पापा, पापा के पापा दादा। इसका आंसर क्या बनेगा? दादा। बताओ, बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है ना सभी को? तो आज हमने टाइप फर्स्ट में इशारा करने वाले प्रश्न के 2-3 क्वेश्चन किए, और टाइप सेकंड में मैंने पहेली पर आधारित प्रश्न कराए हैं। ठीक है, अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा पहेली पर आधारित, और अगली क्लास में इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो आपका ब्लड रिलेशन भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आज इतना ही रखेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए, और जो बच्चा पहली बार चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।